नमस्कार विद्यार्थियों, समाजशास्त्र क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। समाजशास्त्र सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, आज का अपना विषय है संस्था। समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। संस्था का कार्य करने का समाज एक सामान्य संस्था का कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था बनाई जाने वाली एक कार्य प्रणाली को संस्था कहा गया है। उदाहरण के रूप में, परिवार एक समिति है जिसका कुछ लक्ष्य जौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बाल बच्चों का पालन पोषण तथा सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभाग नामक संस्था पाई जाती है। अब अपने बात करेंगे संस्था की परिभाषाएं। नंबर एक, मैकेवर पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली को स्थापित स्वरूप अर्थात व्यवस्था को कहते हैं। संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा व्यवस्था को कहते हैं। नंबर दो, आर्गमन एवं निफकाप के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को सामाजिक संस्था कहते हैं। नंबर तीन, गिलिन एंड गिलिन के अनुसार सामाजिक संस्थाएं कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अब अपनी बात करेंगे संस्थाओं की विशेषताएं। गिलिन एंड गिलिन के अनुसार संस्थाओं की विशेषताओं का उल्लेख किया है। गिलिन एंड गिलिन संस्थाओं को निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर एक, संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था में संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करती है। नंबर दो, नियम व कार्य प्रणाली की व्यवस्था। नंबर तीन, अमूर्त प्रकृति। नंबर चार, सामाजिक स्थायित्व। नंबर पाँच, एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। नंबर छः, सांस्कृतिक उपकरण। नंबर सात, प्रतीक। नंबर आठ, परंपरा। अब अपने आठ पॉइंटों की अलग अलग रूप से विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं। नंबर एक, संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाज का एक गुच्छा कहा है। जब जन रीतियाँ, प्रथाएं या रूढ़ियाँ अधिक विस्तृत हो जाती हैं, तब उन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है और उससे संबंधित के नियम बन जाते हैं, तो वे एकलांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेती हैं। नंबर दो, नियमों व कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। नियमों तथा कार्य प्रणालियों के विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित व अलिखित कानूनों आदि के रूप में देखा जा सकता है। नंबर तीन, अमूर्त प्रकृति। चूँकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों व कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, अतः इसे मूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता। इसकी प्रकृति अमूर्त है और यह व्यक्तियों को अनेक रूपों से प्रभावित करती है। नंबर चार, अधिक स्थायित्व। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है, वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। उसी कारण संस्थाएँ काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। इनका शीघ्रता से विनाश नहीं होता। उदाहरण के रूप में, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का अस्तित्व भारतीय समाज में आज ही बना हुआ है। नंबर पाँच, एक या अनेक सुस्पष्ट उदाहरण एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य।
प्रत्येक संस्था के कुछ एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। उदाहरण के रूप में विभाग की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य हैं, यद्यपि विभिन्न समाजों में इनमें कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। नंबर 6, सांस्कृतिक उपकरण। प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक तथा विचार, आदर्श, मूल्यों तथा कार्य प्रणाली आदि अभौतिक उपकरण हैं। हिंदू समाज में होम, वेदी, मंडल, कलश, धूप, नत, चावल, जप तथा मंत्र आदि विवाह संस्था से संबंधित भौतिक और अभौतिक तत्व हैं। नंबर 6, सांस्कृतिक उपकरण। प्रत्येक संस्था के कुछ भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। नंबर 7, प्रतीक। प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक होता है जो भौतिक और अभौतिक हो सकता है। उदाहरण के रूप में क्राइस्ट चर्च का ओम आर्य समाज का प्रतीक है। नंबर 8, परंपरा। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित व अलिखित परंपराएं होती हैं जिसके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में योगदान देती है। अब अपनी बात करेंगे संस्था के कार्य, महत्व व उदाहरण। संस्था निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करती है। नंबर 1, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्यों की दिशा। नंबर 2, व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाती है। नंबर 3, व्यक्तियों में अनुरूपता। नंबर 4, व्यवहार पर नियंत्रण। नंबर 5, संस्कृति की बहाक। नंबर 6, स्थिति एवं कार्यों का निर्धारण। नंबर 7, सामाजिक परिवर्तन में सहायक। नंबर 1, अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्यों की दिशा। प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकताओं को लेकर होता है। इसी कारण संस्थाओं को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखा जाता है। शिक्षण संस्था, विवाह संस्था एवं परिवार नामक संस्थाएं मनुष्यों की कुछ प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नंबर 2, व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाती है। संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरण को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को क्या करना है अथवा उसके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए। इसी प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित विधि या प्रणाली का निर्धारण कर देती है। नंबर 3, व्यवहार में अनुरूपता। संस्था से संबंधित एक निश्चित कार्य प्रणाली, कुछ नियम एवं परंपराएं होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हीं का सहारा लेता है। जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों या परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहार में अनुरूपता या समानता होना स्वाभाविक ही है। नंबर 4, व्यवहार पर नियंत्रण। संस्था सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। प्रत्येक संस्था व्यक्तियों के कार्यों की दिशा या व्यवहार का एक तरीका निश्चित कर उन्हें उसी के अनुरूप कार्य करने का आदेश देती है। परिवार और जाति नामक संस्था हजारों वर्षों से अनेक रूपों में अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रण करती है। नंबर 5, संस्कृति की बहाक। संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्था के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है, उसे स्थायित्व प्राप्त होता है। परिवार संस्कृति के हस्ताक्षरण का एक प्रमुख साधन है। नंबर 6, स्थिति एवं कार्यों का निर्धारण। संस्था व्यक्ति की स्थिति प्रदान करने तथा उससे संबंधित कार्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। विवाह संस्था के रूप द्वारा एक पुरुष को पति की ओर स्त्री की पत्नी की उपस्थिति प्राप्त होती है तथा साथ ही इससे संबंधित कार्य भी निर्धारण होते हैं। नंबर 7, सामाजिक परिवर्तन में सहायक। संस्था प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती है और उसमें शीघ्रता से कुछ परिवर्तन नहीं हो पाता, परंतु परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दिशा में संस्थाएं बदलती हैं। समय के साथ साथ संस्थाओं को बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन स्वयं संभव हो पाते हैं। अब अपने बात करेंगे समिति और संस्था में अंतर। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है
जबकि संस्था नियमों विधान विधि विधान और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। नंबर दो, व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है। समिति एक अमूर्त है, संस्था अमूर्त है। नंबर तीन, समिति स्थापित की जाती है, यह बताया जाता है कि किस समिति की स्थापना किसने की। संस्था एक धीरे धीरे स्वतः ही विकसित होता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता इसकी कब कैसे और कैसे उत्पत्ति हुई। नंबर चार, समिति अस्थायी होती है, संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होती है। नंबर पाँच, समिति का अपना एक नाम होता है, संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस, इसी संस्था की जलती हुई मिसाल। नंबर छः, समिति व्यक्ति हित कल्याण पर जोर देता है, जबकि संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। नंबर सात, समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं। संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम जनरीतियाँ प्रथाएँ परंपरा रूढ़ियों के रूप में होते हैं। नंबर आठ, समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर व्यस्तिल होती है। संस्था की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। संस्था द्वारा मान्यता रीतिनीति के विरुद्ध आचरण करना अनुचित एवं असामाजिक होता है। धन्यवाद।